फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का नर्सिंग फाउंडेशन क्वेश्चन पेपर। जैसा कि फ्रेंड्स हमने बताया था कि आप लोगों के साथ हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक और डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हम पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सप्ली वाला पेपर है, अटल बिहारी की तरफ से जो हुआ था, जो स्टूडेंट की बैक आई थी, सो वो पेपर है नर्सिंग फाउंडेशन का। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप लोग पेपर भी देख लीजिएगा कैसे आता है नर्सिंग फाउंडेशन का। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का दे ही चुके होंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसे आता है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की और भी कोई डिमांड हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो आप लोगों का जो ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा, तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही आप लोगों का बहुत डिले हुआ है, बहुत आप लोगों ने वेट किया है, लेकिन आप लोगों का जब सेकेंड सेमेस्टर का पेपर तभी हो पाएगा जब आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, तभी पेपर होगा सेकेंड सेमेस्टर का जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। अभी इसकी स्कीम भी नहीं आई है, तब तो सेकेंडर के भी पेपर ख़त्म हो जाएंगे, मेरे भी पेपर फिनिश हो जाएंगे, तो आप लोगों की और भी हेल्प हम कर पाएंगे नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, इससे भी आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जो स्टूडेंट की बैक लगी थी तो वहीं से मिला है पेपर, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट द वीडियो। सो आप लोग पेपर देख सकते हैं, पहले पेपर जो आता है नर्सिंग फाउंडेशन का 75 मार्क्स का आता है, 75 का क्वेश्चन पेपर आता है। पेपर कोड ऐसे दिया होता है, जो हावर्स होते हैं वो 3 आवर्स का पेपर होता है। 3 आवर्स में आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। इसमें लिखा है आल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आप लोगों को ऑप्शन में दिए हों कि ये आप लोग जैसे कि नहीं ऑप्शन में दिए होते हैं और लगा के, सो ऐसा कुछ नहीं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। एंड द नंबर ऑफ द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स। अगर आप लोगों का क्वेश्चन जो है उसका आंसर फुल मतलब सही लिखा है, पूरा अच्छा सही लिखा है, तो उसमें लिखा है राइट इंडिकेशन फुल मार्क्स। अगर राइट इंडिकेशन में लिखा है तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है प्लीज राइट द क्वेश्चन आप करेक्ट पेपर कोड, जो पेपर कोड है वो करेक्ट फिल कीजिएगा। एंड बी टू द पॉइंट, नो एक्स्ट्रा कॉपी सेल भी प्रोवाइड है। ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आप लोगों को कोई भी दूसरी कॉपी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसमें ही इतने पेज आते हैं कि आप लोग वही नहीं फिल कर पाएंगे। आप लोग देख चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर देखे, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस। आप लोगों को ये देखिए, पहले मार्क्स देखिएगा, मार्क्स कितने मार्क्स का है, वन सेकेंड रुकिए, मार्क्स आप लोग देख लीजिएगा कि 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप लोगों के 5-5 मार्क्स के अनुसार ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द टेकिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ा भी डल दिख रहा है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को बस क्वेश्चन को है वो ध्यान से सुनिएगा। एंड फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस, कि वाइटल साइन कैसे लेते हैं, इसके प्रिंसिपल्स लिखने होंगे, 5 नंबर का है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व ऑफ द टेकिंग वाइटल साइंस। स्टेप्स लिखनी है कि वाइटल साइंस जब हम लेते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स जो इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं वाइटल साइंस टेक करने के टाइम, ड्यूरिंग द टाइम वाइटल साइंस लेने के समय आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व करनी पड़ती, तो ये भी आप लोगों का 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डिस्कस द मेडिको लीगल इशू इन हॉस्पिटल। डिस्कस करना है मेडिको लीगल इशू हॉस्पिटल में कौन कौन से इशू होते हैं मेडिको लीगल के, तो डिस्कस करना होगा, ये भी 5 नंबर का है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर इन द हॉस्पिटल। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब कोई भी पेशेंट एडमिशन ले रहा है, यानी कि हम लोग किसी भी कोई भी पेशेंट है वो एडमिट हो रहा है, एंड उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये पूरा फुल डिटेल में लिखना है कि हॉस्पिटल में इसका प्रोसेस क्या रहता है एडमिशन का एंड डिस्चार्ज का। क्वेश्चन नंबर हमारा थ्री है राइट द फिलोसफी और ऑब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग। राइट द फिलोसफी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आप लोगों को लिखना है। एंड डिस्कस नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन को डिस्कस कीजिएगा। फ्रेंड देख लीजिएगा, आप लोगों के ये जो 3 क्वेश्चन जितने भी हैं ये
सॉरी, ये 3 क्वेश्चन जितने भी हैं सारी 5-5 नंबर के हैं, और जो टोटलिंग मार्क्स है वो 10-10 नंबर के दी गई है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी करके दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी करके दिया है। तो आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक कोई स्टूडेंट था वो कमेंट कर रहा था कि मतलब कितने हर कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर हम कितने पेज फिल करें। फ्रेंड्स वैसे एक सीनेरियो होता है कि 75% अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को 7 पेज तो लिखने होते हैं, बट अगर आप लोग 5 पेज तक यानी 5.5 पेज तक लिख देते हैं तो नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं, अच्छे खासे क्या मिल ही जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे करके लिखना होगा इसमें पेज अकॉर्डिंग। देखिए नर्सिंग में पेज करते डिपेंड करता है पेज पे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर काफ़ी अच्छी खासी फील है तो आप लोगों को नंबर भी मिल जाएंगे। अगर काफ़ी भी नहीं कुछ लिखा है तो फिर नंबर मिलने के चांस कम रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पूछा गया है स्प्लेन इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। इसमें आप लोगों को इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में लिखना है। इम्यूनिटी हम इसमें पूछी गई, देखिए इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया। आप लोगों के 5 नंबर में क्या लिखना होगा, पहले इम्यूनिटी की डिफिनेशन लिख दीजिए, फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी लिख दीजिएगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ही इतनी एक्टिव, पैसिव, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव, ऐसे कि आप लोग सारी जितने भी टाइप्स हैं वो लिख दीजिएगा, एंड फिर इम्यूनाइजेशन भी लिख लीजिएगा। तो 5 नंबर तो 5 पेज तो हो ही जाएंगे। 5 नंबर का जब पूछा गया तो आप लोगों को 2.5 पेज लिखना होगा या 3 पेज लिखना होगा, तो इतना तो लिख ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी, डिस्क्राइब हेल्थ इलनेस एंड द कॉन्टिन्यूम। हेल्थ इलनेस के बारे में लिखना है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो रही है तो उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, व्हाट इज हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट क्या है एंड इसके पर्पज क्या रहेंगे एंड इट्स पर्पज। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। प्रोसेस लिखना है हेल्थ असेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स है हरे, देखिए फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स हों या कुछ भी नोट्स हों आप लोगों का, आप पेपर में देख सकते हैं। आप लोग मार्किंग जरूर देखिएगा कि नंबर जो जितने भी क्वेश्चन है सबकी नंबरिंग 5 नंबर है। ये शॉर्ट नोट्स हैं जरूर लेकिन नंबर कितने, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडेंट एंड इन्वेंसरी। फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन पेपर से बहुत अनुमान लग जाएगा, आप लोग वैसे ही तैयारी कीजिएगा जैसे कि क्वेश्चन पेपर में देख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया गया डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वेश्चन नंबर 6 के बी में दिया गया इंडेंट एंड इन्वेंसरी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया पेशेंट एनवायरनमेंट। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आप इसलिए आप लोगों को सब मालूम ही होगा कि वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन पे प्रभाव मतलब यूरिनेशन को प्रभाव करने वाले कारक कौन कौन से, इन्फ्लुएंस कौन कौन से प्रभाव डालते हैं यूरिनेशन में, कारक जो है फैक्टर्स कौन कौन से। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप लोग मालूम होगा इसका सेकेंड नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि हॉस्पिटल में मतलब होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोगों को पेपर से बहुत ही हेल्प मिल रही होगी। एक बार मैं आप लोगों के साथ एक बार पेपर ऐसे किए दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एंड अगर नहीं भी दिख रहा है हो सकता है थोड़ा आप लोगों को डल दिखे, बट मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्राइब कर ही दिया है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन पेपर और भी चाहिए, क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।